भगवान शिव की नगरी के रूप में विख्यात काशी में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर विवाद इन दिनों देशभर में सुर्खियों में छाया हुआ है। इस मामले में अब भाजपा के फायर ब्रांड नेता और राज्यसभा के पूर्व सदस्य विनय कटियार ने चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने दावा किया कि ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग पर मुस्लिम समाज के एक व्यक्ति ने आरी चलाई, जिसके पुलिस ने पकड़ लिया और अपनी कस्टडी में ले रखा है। राम मंदिर आंदोलन के सलाका पुरुष कहे जाने वाले विनय कटियार ने दावा किया कि उस शख्स ने आरी चलाकर उसकी जांच की थी कि क्या वह शिवलिंग है या फिर फव्वारा। कटियार ने कहा कि आरोपी युवक पुलिस की कस्टडी में है, लेकिन कस्टडी से काम नहीं चलेगा। उन्होंने उस युवक के दोनों हाथ काट लेने की मांग की है। कटियार ने कहा कि ज्ञानवापी में जिस तरह का मामला चल रहा है, ऐसी स्थिति में मुस्लिम समाज के लोगों को वहां पर प्रवेश नहीं देना चाहिए। बता दें कि वाराणसी के बहुचर्चित ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में कथित रूप से शिवलिंग मिलने के दावों के बाद हिंदू पक्ष जहां इसे प्राचीन शिव मंदिर बता रहा है, वहीं मुस्लिम पक्ष उसे वजूखाना में लगा पुराना फव्वारा बता रहा है जो अब टूट चुका है। इस मामले पर वाराणसी की जिला अदालत में सुनवाई चल रही है, जहां हिंदू पक्ष यहां रोजाना पूजा करने की इजाजत मांग रहा है। वहीं मुस्लिम पक्ष ने उपासना स्थल अधिनियम 1991 का हवाला देते हुए इस पूरे मामले को खारिज करने की अपील की है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से अवेक इन टुडे न्यूज की रिपोर्ट।